Once again, good morning, everyone. I'm Aastha this side, and on behalf of TuteeHUB team, I'm just welcoming all of you for Skill for Success webinar. And today's topic is career planning. See, TuteeHUB comes into the picture of career planning when we have seen कि बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिसाइड करने में कि एक्चुअली कैरियर चूज कैसे किया जाता है, उनको उनको प्लान क्या करना है, उनको अपने लाइफ में करना क्या है. तो व्हाट एग्जैक्टली द कैरियर इज ऑल अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इट इंक्लूड्स, वो हाउ इट विल हेल्प इन ऑल द इम्प्रूवमेंट एंड एवरीथिंग. सो आज हम आपसे बात करेंगे TuteeHUB को लेकर, साथ में करियर को लेकर, कि TuteeHUB कैसे आपको हेल्प करेगा. इफ यू कैन सी माई फर्स्ट स्लाइड, if you can see my first slide, it is showing what is career, the process of career planning, the tips of career development, and how TuteeHUB creates value. So let's see ki career hota kya hai. Like choti si definition aapke liye likhi hai. See, career means the part of life that is concerned with employment from an occupational standpoint. It means the sum total of the various jobs you may hold during your lifetime. Means हमें जब अपनी लाइफ में कुछ एक जॉब लेनी होती है या हमें अपनी लाइफ में ये सोचना होता है कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं और हमें उस वो पैसों का जो जरिया है जिसको कहते हैं वो फोर्स कहाँ पे जाएगा, उसको हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि वो एक करियर होता है. करियर बेसिकली आपका एक एम्प्लॉयमेंट जिससे आप अपनी एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, अपने स्किल और इंटरेस्ट जहाँ पे आप शो कर पाएं, जहाँ पे आपका एक अच्छा सा मेंटल स्टेबिलिटी रहे, वो काम कर सकें, दैट वर्क यू वॉन्टेड टू डू with your energy, with your enthusiasm, हम उसको एक employment, उसको एक career का नाम देते हैं. अगर हम बात करते हैं तो हम career कहाँ से बनता है, हम लोग सोचते हैं, हमें देखिए मैंने बहुत छोटा सा इमेज भी लगाया है, कन्फ्यूज विच स्ट्रीम टू चूज आफ्टर 10th और 12th, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है, करना क्या है, हम करना चाहते क्या हैं एक्चुअली. तो यहीं पे ही हमारा एक करियर डिसाइड हो जाता है फ्रॉम द स्कूल बैकग्राउंड इटसेल्फ. हमें ये नहीं होता कि हमें कॉलेज में आके क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से पता चलना शुरू हो जाता है कि यू नो हमें 10th ऑनवर्ड्स क्या करना है या आफ्टर 12th व्हाट विल वी हैव टू चूज लाइफ. लेकिन होता क्या है, हम खुद ही एक्चुअली क्लियर नहीं होते हैं. हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, हमें पेरेंट्स बोलते हैं आप बायोलॉजी ले लो, आप पेरेंट्स बोलेंगे आप मैथ्स ले लो, बट अंदर ही अंदर हमें लगता है यार हम ये क्यों लें, हमें तो कुछ और करना था. बिकॉज हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या रहता है, हमें होता है हम शायद स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, या एक बच्चा होता है जिसका इंटरेस्ट एरिया क्या रहता है, उसको सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए बायो और मैथ्स तो काम नहीं आएगा ना फॉर श्योर. लेकिन क्या रहेगा, हम अपने पीयर प्रेशर में आकर उस तरफ कैरियर की तरफ अपना मोड़ ले लेते हैं जो हमारे पेरेंट्स या हमारा सोशल सर्कल हमें करने को कहता है, बट इंटरनली व्हाट वी फील वी रियली डू नॉट वांट टू गो देयर बिकॉज हमें पसंद ही नहीं है वो चीज़, हमें अच्छा ही नहीं लगता वो कुछ करना. तो लेट्स सी हमें कैसे अपने कैरियर को चूज करना चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए. अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखिए इसमें एक प्रोसेस बना हुआ है. अगर हम बात करें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप्स के सर्कल हैं जो हमने जॉट डाउन किए हैं, और यही 7 स्टेप्स के सर्कल आपको TuteeHUB से भी क्रिएट करेंगे कि इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली वी हैव मेड द प्लेटफॉर्म TuteeHUB जो आपको पूरे करियर प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है. अगर हम पहले स्टेप की बात करते हैं तो उसमें है सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट किस चीज़ को लेकर होगा, आपके इंटरेस्ट को लेकर होगा, आपकी स्किल्स को लेकर रहेगा, आपकी वैल्यूज को लेकर रहेगा और आपकी पर्सनालिटी को लेकर रहेगा. अगर हम बात करें सेल्फ असेसमेंट, हम दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं. एक बच्चा बहुत अच्छा डांस में जाता है, यानी कि उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डांस की तरफ है, और एक बच्चा जो बहुत हार्ड वर्क करता है, उसको कहीं ना कहीं पढ़ने में मज़ा आता है. तो हमें अपने आप को खुद एक जजमेंट करनी पड़ती है कि वॉट एग्जैक्टली वी वॉन्ट इन आवर लाइफ, what exactly we want to be in our career, how we have to proceed it further. ये नहीं कि मेरा फ्रेंड ने यू नो IIT की तैयारी करनी है तो मैं भी IIT की तरफ ही जाऊँ. सी होता क्या, बहुत सारे बच्चे हैं यार, आप सारे एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं हो सकते ना, 10% का स्लॉट ही आउट ऑफ 100 होगा, 90% तो ऑर्डिनरी में जाएंगे ना. तो हमें सारी भीड़ के साथ तो नहीं भागना, ऑफ कोर्स हमें वो करना है जो हम करना चाहते हैं. मेक योर माइंड यू नो It should be very clear. What is your vision? What is your interest? आप क्या करना चाहते हो? आपका सेल्फ असेसमेंट क्या है? तो जब भी आप अपना करियर चूज करने लगे, सबसे पहला आपका फोकस रहेगा सेल्फ असेसमेंट. उसमें आप चार चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आपके इंटरेस्ट, आपके वैल्यूज, आपकी स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी. और ये सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इनकेस आपको कोई भी इशूज रहते हैं तो TuteeHUB इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच हेल्प्स यू
to how to connect and how to, you know, this platform will able to help you out. हम आपको बताएंगे कि ये कैसे आपको हेल्प करेगा आगे. लेट्स सी हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें कैसे रहता है. अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जब हमने अपने आप को असेस कर लिया, हम देखेंगे रिसर्च पॉसिबल करियर एंड मेजर्स. होता क्या है, अगर आपका इंटरेस्ट एरिया एक स्पेसिफिकली एक लोगो डिज़ाइनिंग में है, तो आप कहीं ना कहीं यही प्रेफर करेंगे कि मैं उस जॉब को सर्च करूँ जो कंपनी सिर्फ लोगो डिज़ाइन करती है या जहाँ पे इस डिज़ाइनिंग का स्कोप है. आप ये तो हार्ड वर्क नहीं करेंगे ना कि मैं डिज़ाइनिंग का मेरा इंटरेस्ट है और मैं चल दूँ एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने. ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द यू नो पार्ट, बट इट्स नॉट योर फुल इंटरेस्ट एरिया कहीं ना कहीं. तो सबसे पहले हम अपने इंटरेस्ट के बाद अपना एक करियर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसका उसी हिसाब से हम उसके जॉब्स को फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे. थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे सेट गोल्स एंड क्रिएट एन एजुकेशनल प्लान. देखिए ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. जब तक हम अपना गोल अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं सेट करेंगे, हमें करना क्या है एक्चुअली, तो हम आगे मूव ही नहीं कर पाएंगे. हमें प्रोसीड कैसे करेंगे, हमारा विजन क्लियर नहीं है. अगर हमारा विजन एक अच्छे से क्लियर है कि हमें इसी चीज़ को यू नो ये हमारा फोकस है. मेरे पेरेंट्स मुझसे कहें तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं कहूँ नहीं मुझे तो MBA ही करना है और मैं डॉक्टर की पढ़ाई 3 साल भी कर लूँ तो मैं ऑफकोर्स नहीं कर पाऊँगी. लेकिन अगर मेरा विजन बहुत अच्छे से सेट है कि मुझे बनना ही MBA में जाना है, मुझे मैनेजमेंट ही देखना है, तो शायद मेरे लिए वो बहुत ईजी एफर्ट हो जाएगा और बहुत स्मार्ट एफर्ट हो जाएगा. बहुत सारे बच्चे होते हैं वो हार्ड वर्क करते रहते हैं. अगर आप प्रेशर करेंगे चीज़ों को, आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट आपका फोकस इफ इट इज़ इन द लेफ्ट डायरेक्शन राइट एंड डायरेक्शन यू हैव टू गो टू द राइट, तो आप राइट में जा नहीं रहे हैं, एफर्ट आपका लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो वो हार्ड वर्क भी कहीं ना कहीं वेस्ट है. तो मेक श्योर कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो अपने एजुकेशनल प्लान आप उसी हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि आप उस गोल को अचीव कर सकें कहीं ना कहीं. अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं लर्न, सी लर्निंग तो एक ग्रोइंग मॉडल है, वो कभी फिनिश नहीं होगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा. इट्स एन इनटू योर एंटायर लाइफ. लर्निंग इज़ अ ग्रोइंग चार्ट, ग्रोइंग पाथ, जिससे आप पीछे नहीं हट सकते. बात करें लर्निंग करते कैसे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारा आता है लर्निंग में नेटवर्क. अगर हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो वो एक क्या होता है नेटवर्किंग, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके स्कूल पीयर में, यू नो कॉलेजेस में, देन यू हैव योर सोशलाइजेशन इन योर एंटायर फैमिली आल्सो. दिस इज़ व्हाट द नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट. आपने एक फ्रेंड से बात की, आपने दूसरे से की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक सर्कल बनता है जो हमारी मेंटल लेवल को मैच करता है. जहाँ पे वो मैच करना शुरू होता है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं. हमें उसी हिसाब से अपना नेटवर्क हम क्रिएट करते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका नेटवर्किंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सेकेंड, हम इसमें लर्निंग में बात करें इंटर्न. अगर हम इंटर्न्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी आप इंटर्नशिप्स करते हैं या कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो वो आपके करियर की डेवलपमेंट में या करियर को प्लान करने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है. अब वो इसमें भी TuteeHUB बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगा. आई विल टेल यू हाउ कि कैसे वो प्ले करेगा और कैसे वो सक्सेसफुल है आपको जोड़ने के लिए या आप हमारे साथ जुड़ें, उसका कनेक्टिविटी आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस सर्कल कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. आपके पास इंटरव्यू, आपने एक डिज़ाइनिंग आपने एक डिसाइड कर लिया, आपने सोच लिया कि आपको करना क्या है, लेकिन आपने प्रोसीड कैसे करना है, आपने अब जॉब के लिए डिसाइड किया, तो आपको इंटरव्यूज कैसे देने हैं. बहुत सारे बच्चे होते हैं, आई पर्सनली सीन आई एम वर्किंग एज एन HR ओनली एंड आई हैव सीन हाउ द स्टूडेंट्स बिहेव, हाउ द स्कॉलर्स बिहेव व्हाइल गिविंग एन इंटरव्यूज. उनको यू नो देयर मेनी थिंग्स उनको आता ही नहीं है. फॉर दिस यू कैन वॉच आर फर्स्ट वेबिनार ऑल्सो, हाउ टू क्रैक अ जॉब इंटरव्यू. उसमें भी TuteeHUB आपको हेल्प करेगा कि इंटरव्यूज क्रैक कैसे करते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, हमें प्रिपेयर क्या करना है. देखिए सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी जॉब में एंटर करने के लिए रिज्यूमे, उसका कवर लेटर, उसके रेफरेंसेस या पोर्टफोलियोज की अगर हम बात करें. होता क्या है कि जब हमारे पास देखिए पोजीशन एक है, अप्लाई करने वाले 100 हैं, तो आपके पास चांस कब है, आपके पास वही एक चांस है कि आप सबसे पहले अपने रिज्यूमे को एक स्ट्रॉन्ग बिल्डर बनाए. कहीं ना कहीं वो ही एक फर्स्ट एंटिटी रहता है जो कि एंटर करने में HR के पास या whosoever is taking care of the first line of interview, वहाँ पे आप क्रैक कर सकते हैं. एक इम्प्रेशन होता है, दैट इज़ अ फर्स्ट इम्प्रेशन. तो मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत ही ब्यूटिफुली हैंड यू नो अच्छा बना हो. आई एम नॉट सेइंग इट्स हैंड रिटन,
वो भी बहुत लोग करते हैं, अगर उनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है तो ऑफकोर्स वो बना सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप प्रिंट आउट सी लें. ओके, लेकिन उसको इतने अच्छे से आप बनाएं कि उसको हम भी उसको भी बताएंगे कि आपको बनाना कैसे है एक्चुअली रिज्यूमे को, और TuteeHUB भी उसमें कैसे आपकी हेल्प करेगा. तो रिज्यूमे और कवर लेटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके करियर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद आपका जॉब सर्च एंड ग्रो एंड डेवलप स्किल एक्सपीरियंस इन योर न्यू करियर. देखिए, जॉब सर्च तो ऑफकोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है. जब आपका रिज्यूमे अच्छा बनेगा आप तभी कहीं ना कहीं उसको एक अच्छी जॉब में आप अपलोड कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे नोटिफिकेशंस निकली हुई हैं. फॉर एग्जांपल, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशंस निकली है बहुत सारी कंपनीज में, तो सबसे पहले वो क्या लिखते हैं, वो यही लिखते हैं कि आप अपना रिज्यूमे अपलोड कीजिए. आपको वहीं पर अपना रिज्यूमे अपलोड करना है. जैसे ही वो अपलोड होगा सिस्टम पे, उसी के बाद यू नो यू विल बी हैविंग अ नेक्स्ट ऑप्शन वेदर यू विल बी रिसीविंग अ कॉल और नॉट. Once you receive a call, it means you are almost 50% enter into that job. कहीं ना कहीं आपने उन 100 लोगों में से 50% अपने आप को chance कर लिया है that you are there, that you are a right person for this job actually. Now, वहीं से आप अपने skills भी develop कर सकते हैं. See, experience, that is, I have written that grow and develop skills in experience in your new career. वो तो एक important factor है. कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी करियर में आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप की स्किल्स को हमेशा डेवलप करना होगा. लेकिन अगेन, ये सर्कल फिर से चलेगा. स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ असेसमेंट, जो हमारा पहला स्टेप था. आपको अपनी स्किल्स दोबारा देखनी है, उनको ग्रो करना है, उनके वैल्यू सेट करने हैं. तो ये कहीं ना कहीं 7 to 8 स्टेप्स का एक प्रॉपर प्रोसेस रहता है करियर प्लानिंग का, जिसपे हमारा एक मेजर फोकस है. इस स्लाइड के बाद हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे जिसपे हमने टिप्स दी हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा कि प्रोसेस कैरियर डेवलपमेंट के प्रोसेस इंप्रूवमेंट में रहता क्या है. फर्स्ट है कि आप अपनी ड्रीम्स कैसे बिल्ड करें, राइट. आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर ड्रीम एक्चुअली, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में, हाउ यू हैव टू बिल्ड योर ड्रीम. सी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें पता ही नहीं होता ये हमारा पैशन है. हमें सिर्फ ये होता है हमारे पेरेंट्स ने ये कह दिया, या सोशलाइजेशन में होता है कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो लेट मी सी कि मुझे भी यही चीज़ें करनी है. बट प्लीज़ डू फोकस ऑन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिल्ड योर ड्रीम, कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में. अपने आप पे बिलीव कीजिए, अपना ट्रस्ट कीजिए एंड देन फोकस ऑन इट. नेवर स्टॉप लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कभी भी लर्निंग पाथ आपको रोकना नहीं है. सी, ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग द थिंग्स बिकॉज इट्स एन एंडलेस प्रोसेस. कुछ भी हो, हम रोज नया सीखते हैं. इट्स वेरी जनरल, हम अगर हम प्रोफेशनल लेवल या करियर की बात भी नहीं करें तो हम पर्सनली भी बहुत कुछ नया सीखते हैं. हमें नए नए लोग मिलते हैं जिनसे हम नई नई बात करते हैं, तो हमें कुछ नया ही सीखने को मिलता है, जहाँ पे नेटवर्किंग भी बहुत काम आती है. फोर्थ, हमें आपको टिप्स देंगे कि शार्पन योर पीपल स्किल, मीन्स योर पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन, इट मैटर्स. हमने इस पर भी हमने इस पर भी अपने वेबिनार्स दिए हैं कि आपको अपनी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो करनी चाहिए. अगर आप चाहें तो आप हमारा वो वेबिनार भी देख सकते हैं, लॉज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. हमारी साइट पे रहेगा, हमारे यूट्यूब चैनल है TuteeHUB, आप उस पर सब्सक्राइब करके भी ये वेबिनार को देख सकते हैं. तो कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत मैटर करता है आपके करियर को ग्रो करने के लिए. नाउ एक्सपेंड योर नेटवर्क, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि कभी भी अगर आपको अपने करियर की डेवलपमेंट में या उसको इम्प्रूव करने में या उसको ग्रो करने में आपको चाहिए, तो मेक श्योर कि आपका जो भी नेटवर्क है उसको और ग्रो करें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल रहता है आपको एक अच्छी ग्रोथ देने में. बेसिकली नाउ एक हमारा फैक्टर है फाइंड अ मेंटोर. देखिए, मेंटोर ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. आप किसी ना किसी को फॉलो करना पसंद करते हैं, आप उसी को फॉलो करना पसंद करेंगे जिसको आप चाहेंगे कि यू नो जिसकी बातें आपको समझ आएंगी. यू फील लाइक टू टॉक टू दैट पर्सन इफ वट एवर द पर्सन इज स्पीक्स. ऑफ कोर्स इट शुड बी इन टू द राइट डायरेक्शन. द पर्सन यू नो द मेंटोर इज द वन हु कैन गाइड यू, हु कैन लीड यू. सो प्लीज अपना एक मेंटोर जरूर फाइंड कीजिए जो आपको करियर ग्रोथ में हेल्पफुल रहे. बिल्ड योर रेपुटेशन. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे इस पर कि रेपुटेशन की अगर हम बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम पे फोकस कीजिए, राइट. आपका रेपुटेशन आपके काम से बनता है. आप अच्छा काम करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, कंपनीज आपको प्रेफर करना शुरू करेंगी अगर आप अपने टाइम पे ऑन ड्यूटीज डेडलाइंस कंप्लीट करते हैं, बिकॉज इसी में ही आपकी ग्रोथ है. तो ऑफकोर्स आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है और कहीं ना कहीं वो आपको सेम कंपनी में
और इनफैक्ट दूसरी कंपनीज में भी या आपके करियर पाथ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देगी। स्टॉप टेलिंग एंड स्टार्ट सेलिंग। देखिए ये सब जगह होता है, बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बातें तो करते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, बट जब करने का टाइम एक्चुअल टाइम आता है तो बहुत सारे लोग बैकआउट कर लेते हैं। बट हमें वो नहीं करना है अपने करियर के लिए, हमें बहुत ज़्यादा फोकस होकर सिर्फ यही बात करनी है कि हम जो कह रहे हैं वो कर सकें। स्टार्ट सेलिंग योर सेल्फ एट द एंड इन करियर। वॉट यर यू आर नॉट एनी पर्सन हु हैज़ टू बी यू नो गोइंग समवेयर एंड सेल दोज हार्ड थिंग्स। अगेन उसमें भी सेलिंग ही है, यहाँ पे आपको अपने आप को सेल आउट करना है। इट मीन्स कि आपको अपने काम और अपने टैलेंट से उसमें अपने अपने आप को दिखाना है कि वॉट एग्जैक्टली आप क्या हैं और हाउ यू कैन शो योर टैलेंट। सो जस्ट यू नो स्टॉप टेलिंग एंड स्टार्ट सेलिंग द थिंग्स, सेलिंग योर सेल्फ। डेवलप ट्रस्ट एंड पे बैक। सी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ भी। अच्छा ट्रस्ट कैसे आएगा आपको? देखो ट्रस्ट तभी आएगा जब हम वहाँ पे उनके हिसाब से या जो काम वो चाहते हैं ऑफ कोर्स हम अपनी तरफ से अपना टैलेंट दिखाएं और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं हम उनको मीट करें, तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। जैसे ही ट्रस्ट डेवलप होगा आपका ग्रोथ अपने आप ही करियर में होना स्टार्ट हो जाएगा और उसी से हमें पे बैक, हमारा ऑफ कोर्स एक अच्छे इंक्रीमेंट्स होंगे, हमारे अप्रेजल्स होंगे और वहाँ पे एक हैप्पीनेस क्रिएट होगी विच मेक्स यू अ हेल्दी रिलेशनशिप ऑल्सो, जो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए बहुत अच्छी है। तो ये हमारे कुछ 10 टिप्स हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर मैं समझा पा रही हूँ। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं तो हमने बहुत एक कुछ लाइन लिखे कि एक्चुअली करियर सक्सेस होता क्या है। देखिए करियर सक्सेस डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। कोई सोचता है कि करियर सक्सेस सिर्फ पैसा है, कोई सोचता है कि मेरे लिए प्रोफेशन है, किसी के लिए एक प्रमोशन होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि करियर सक्सेस होता क्या है। कोई फाइनेंशियली उसको मेजर करता है, कोई मेटेरियलिस्टिक वैल्यू में मेजर करता है। कुछ सोचते हैं कि जो रियल काम रियल करियर है वो आएगा दूसरों की हेल्प से। कुछ सोचते हैं कि अगर हम कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर दें सोसाइटी में तो शायद मेरा करियर बढ़ जाए। तो जो आपके इनर सेटिस्फैक्शन है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। आप ये नहीं सोचिए कि एक एक इंसान है, देयर इज सम इंडिविजुअल हु इज जस्ट ग्रोइंग ऑन अ सीईओ एंड आई एम स्टिल ऑन एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन। बट अगर आपको लगता है कि आप उस एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे भी बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हैं तो इट मीन्स आपने अपने आप को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल किया है। पोजीशंस चेंज होती हैं ऑफ कोर्स, बट इट्स ओके एट द एंड। आपका डीपेस्ट और मोस्ट चेरिश्ड की जो लाइफ वैल्यूज हैं वो चार तरीके से अगर हम बात करें रहती हैं, आपका घर, योर होम, योर वर्क, योर स्कूल एंड योर लेजर टाइम। अगर हमें इन चारों को बैलेंस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने कैरियर को सक्सेसफुल करने के लिए, रादर देन अगर हम ये सोचें कि हम किसी को कम्पीट करें। सी कॉम्पिटिशन इज इम्पॉर्टेंट बट इट डज नॉट मीन दैट इट यू विल टेक इट ऑन योर हेड। इट्स फाइन, आप अपनी लाइफ को अगर बैलेंस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वही आपके करियर में बहुत सक्सेसफुल आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आप इनरली यू नो सेटिस्फैक्शन इज देयर बेसिकली। आई वुड से योर अपॉर्चुनिटी एंड इंस्पिरेशन टू यूज एंड डेवलप करंट एंड डिजायर स्किल्स एंड योर एक्साइटमेंट अबाउट पास्ट करंट एंड फ्यूचर अचीवमेंट्स। ये कुछ लोग इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं कि हमें करियर सक्सेस क्या है, हमारी कुछ जो हमने पास में कुछ अच्छा किया हो या हम कुछ करंट अच्छा करना चाहते हैं या हमारे को कुछ अचीव करना है। तो हर एक का अपना पर्सोना है, हर एक का अपना परसेप्शन है देखने का। तो जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आप खुश रह सके, उसी में ही आप सोचिए कि यही आपका सक्सेसफुल करियर रहेगा। हमने कुछ स्लाइड्स डिस्कस करी लेकिन मेरा जो अब मैं आपको अब बताऊंगी कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है TuteeHUB वो एग्जैक्टली इसके अराउंड कैसे इसका पिक्चर क्रिएट होता है। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू कि TuteeHUB आपको दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं जस्ट अ सेकंड, मैं आपको शेयर करती हूं स्क्रीन। ओके, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको TuteeHUB दिख रहा होगा। अगर हमारा आप URL देखें www.tuteehub.com। TuteeHUB पे हमने बहुत सारी 5 एंटिटीज को कनेक्ट करने के लिए कोशिश की है, लेकिन अगर हम आपसे आज बात करें तो हम मेजर एंटिटी की बात कर रहे हैं जिसका काम है स्कॉलर।
और अगर मैं स्कॉलर की बात करूं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगी, जॉब सीकर. जॉब सीकर यानी कि कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट जो जॉब करना चाहता है. तो अगर हम स्कॉलर की बात करें, आप अगर TuteeHUB पर विजिट करेंगे तो आप सिंपल देख रहे हैं कि वॉट यू आर लुकिंग फॉर. आई एम आर जॉब सीकर. देन वॉट यू लुक फॉर, इधर यू लुक फॉर टू रिज्यूमे पोस्टिंग, यू वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज. हम कुछ इन फैक्टर्स पे जो मैंने ऑलरेडी स्लाइड में डिस्कस भी किए हैं, हमने उन्हीं को देख के जब देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं, उन्हीं की प्रॉब्लम्स को सोच के ये एक सिस्टम बनाया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. अब क्या होता है, आप ट्वेल्थ के बाद आए फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता चलता कि मुझे करना क्या है या मुझे एग्जाम्स कहाँ देने हैं, तो हमने उसके लिए स्किल असेसमेंट को रेडी करा है. मैं आपको दिखाती हूँ कि स्किल असेसमेंट में क्या है. आप सिंपल यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं और सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एक अपना ईमेल आईडी क्लिक करेंगे एंड यू आर गुड टू गो टू टेक एग्जाम, राइट. शायद आपको मेरी स्क्रीन अभी दिख रही होगी प्रॉपरली. ओके, सी वी आर गुड टू गो. अगर आप यहाँ देखें तो हमने बहुत सारे एग्जाम्स अपने सिस्टम में रखे हैं, और अगर आप क्लिक करें ऑल एग्जाम्स, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स, आपके प्री असेसमेंट एग्जाम, प्लेसमेंट पेपर, टेस्ट योर स्किल्स, बैंकिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल इंजीनियरिंग, हम यही देखते हैं. कुछ ऐसी फील्ड्स हम प्रेफर करते हैं चूज करना. अगर हम टेस्ट योर स्किल्स की बात करें तो एक तरीके से बहुत अच्छे प्रैक्टिस पेपर्स हैं जिसमें आपके हम कहीं ना कहीं जनरल एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं, और जो वो प्रॉब्लम्स हैं जनरल एप्टीट्यूड की जो कहीं ना कहीं आप हर एग्जाम में देंगे, चाहे वो आप मेडिकल हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, फाइनेंस हो, अकाउंट्स हो, एक्स वाई जेड, इवन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको एट द एंड अपना करियर चूज करना है. अगर इसको देखें तो आप बहुत सारे हैं. देखिए गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करते हैं तो रेलवे का, रेलवे के एग्जाम्स के लिए बच्चे कितने एलिजिबल होते हैं, उनको लगता है कि यू नो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और हम कहीं ना कहीं एक कम्फर्ट जोन की बात करेंगे अगर हमें गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर हो जाए तो. ये बहुत सारे गवर्नमेंट, तो जस्ट होपिंग कि यहाँ पे हमने पूरा एक एग्जाम पैनल यहीं से स्टार्ट किया जो आफ्टर ट्वेल्थ या आफ्टर कॉलेज बच्चे प्रेफर करेंगे. पूरा का पूरा एग्जाम है जो अपना ऑटोमेटिकली आपको कैरियर की तरफ फर्स्ट स्टेप मूव कर रहा है, जो मैंने पहले भी बताया था, प्री असेसमेंट और स्किल असेसमेंट आपका, जिसमें आपका स्किल इंटरेस्ट हो, आपके वैल्यूज हो, वो पूरा आपको हमारे स्किल असेसमेंट में पूरा आप अपने आप को इंडिविजुअली जज कर सकते हैं. ओके, अगर हम बात करें, अब हमने वहां भी बताया कि असेसमेंट के बाद आपको कहाँ जाना होगा. आपको सबसे पहला पॉइंट है, या तो आप रिज्यूमे प्रिपेयर करेंगे. ऑफ कोर्स अगर आपको रिज्यूमे प्रिपेयर करना है, उसमें बहुत इश्यूज आते हैं बच्चों को कि रिज्यूमे प्रिपेयर करना कैसे है, रिज्यूमे कैसे होता है. उसके लिए हमारे बहुत सारे सेशंस रहेंगे, हमारी हेल्प, ये हम आप पे एक हेल्प बटन है, आप उस पर कर सकते हैं. हमारे कुछ प्लान्स हैं, उसमें आप रिज्यूमे के लिए हमसे बात कर सकते हैं. लेकिन बहुत सिंपल है, अपने सिस्टम पे सबसे पहले आप पोस्ट कैसे करेंगे, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस वन. यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है. देखिए आप एक सिंपल सा अपना नाम देंगे, आप अपना एक ईमेल आईडी देंगे एंड यू आर गुड टू गो टू पोस्ट योर रिज्यूमे. आपको कुछ नहीं करना है. जैसे ही आपका रिज्यूमे सिस्टम में आएगा, ये देखिए ये स्क्रीन एक ओपन हो रही है, आप अबाउट मी राइट समथिंग अबाउट यू. यू वांटेड टू राइट आई एम, फॉर एग्जाम्पल यू आर एन एचआर, ओके, आई एम वर्किंग एज ए एचआर इन एक्स वाई जेड कंपनी एंड यू जस्ट टेल अबाउट योर स्किल्स, what kind of you know work you have done and what is your core competency. अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम टॉप लाइन्स में यही रिज्यूमे में देना प्रेफर करते हैं कि जिससे कि हमारे अबाउट में पढ़े, हमारा जो पहला स्टेप है इंटरव्यूअर की तरफ वो अट्रैक्ट हो. हम यहाँ पे अपनी समरी देते हैं. समरी में हम प्रेफर करते हैं, अगर हम फ्रेशर हैं तो हम कुछ अपने इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे, और अगर हम एक्सपीरियंस्ड हैं तो हम उस समरी में बताएंगे कि हमारा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या है यहाँ पे, या हमने वहां पे उसने क्या जॉब रोल प्ले किया है. ऐसे हम इसमें अपना डेजिग्नेशन देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका लैंग्वेज, स्किल्स बहुत रहती हैं. किसी की स्किल्स कम्युनिकेशन होती हैं तो किसी की डांसिंग भी हो सकती है, किसी का सिंगिंग है तो किसी का डिजाइनिंग है. आप अपना यहाँ पे सिंपल अपना एक रिज्यूमे पोस्ट करेंगे. हमारे इस सिस्टम में देखिए बहुत अच्छी सी बात है कि फ्रेशर भी और एक्सपीरियंस दोनों बातें हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए पूरा रिज्यूमे अलग से रेडी हो जाएगा, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस पे क्लिक करके रिज्यूमे अलग से हो जाएगा. एंड देन यू कैन व्हेन यू स्क्रॉल डाउन पुट द कैप्चा एंड इफ यू वांट यू कैन सेलेक्ट द मेंबरशिप प्लान आल्सो, यू कैन जस्ट ट्राई इट इन. देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स की बात मैं करूँ उसमें तो बहुत कुछ है. अपने असेसमेंट को, अपने एग्जाम को, आप मॉक प्रैक्टिस फॉर एंट्रेंस कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें
ट्यूटी हब पूरा कवर कर रहा है आपकी कैरियर प्लानिंग को लेके, उसके पास वो सब कुछ है जो एक बच्चे को चाहिए होता है। देखिए, तीन बेसिस पे रहता है हमारा सिस्टम, लर्न, वर्क एंड अर्न। लर्निंग में हम ऑलरेडी दे रहे हैं आपका स्किल्स, आप सेट करें। अगर आप कोई कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं आपको ट्वेल्थ के बाद, या ऑफ कोर्स आपको ग्रेजुएशन के साथ कोई बहुत अच्छा कोर्स करना है, तो हमारे सिस्टम पे वो सारे कोर्सेज भी रहेंगे। वो हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनके बहुत कोर्सेज हैं। हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स के लिए जा सकते हैं या कौन सा कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी अब्रॉड स्टडीज करने के लिए। बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट ट्वेल्थ के बाद जाना चाहते हैं, इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद एमएस, एमटेक, बहुत बहुत सारी लाइंस हैं जिसमें ओवरसीज के लिए हम प्रेफर करते हैं। हमारे सिस्टम पे वो सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स एंड वेबिनार्स। और अगर हम वर्क की बात करते हैं तो आप सिर्फ अपना रिज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे हम बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स रहेंगी, बहुत सारी इंटर्नशिप्स रहेंगी। ऑफकोर्स देखिए, प्रोजेक्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज अ फ्रीलांस आपके पास आप कुछ आप भी पोस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप हमारे सिस्टम से अर्न भी कर सकते हैं। आप अपने सर्विसेज पोस्ट कीजिए, आपके क्या स्किल्स हैं, आप अपने अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। सब कुछ हमारे सिस्टम पे है, आपके एग्जाम से लेके आपकी अर्निंग तक, यानी कि लर्न, वर्क एंड अर्न, जो एक स्कॉलर की लाइफ के रिवॉल्व ही घूमता रहता है वो सिस्टम। यहीं पे अगर हम बात करें, हमने बहुत सारी देखिए एफिलिएट नेटवर्किंग और ऑफर्स की बात भी हम करते हैं, और कहीं ना कहीं हम सपोर्ट में इंटरैक्टिव फोरम्स भी हैं। तो पूरे सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत अच्छी सी चीज़ें हैं, लर्न, वर्क एंड अर्न। जस्ट क्लिक ऑन दिस, इज जस्ट इफ यू वॉन्ट यू कैन हैव द मेंबरशिप प्लान ऑल्सो, बट जस्ट पोस्ट द रिज्यूमे फर्स्ट। आई सी टू इट कि पोस्ट इट, आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, बहुत सारी आपको इंटर्नशिप ऑप्शन भी मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं हमारा करियर TuteeHUB के प्लेटफॉर्म पर पूरा कनेक्ट हो चुका है। जैसे ही आपने रिज्यूमे पोस्ट किया, हमारे पास है इंटर्नशिप। बहुत सारे बच्चों को ग्रेजुएशन में भी, वेदर दे आर प्रोफेशनल और स्टडिंग और ट्वेल्थ में भी, बच्चे इंटर्नशिप्स करते हैं। मैंने काफ़ी स्कूल्स में भी देखा है बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं करने के लिए। अगर हम इंटर्नशिप्स के लिए भी, आपको बहुत सिंपल लॉगिन करना है, जस्ट गो देयर। देखिए कितनी सारी इंटर्नशिप्स हैं यहाँ पे, आप एक्सक्लूसिव फीस, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आपके बस इंटर्नशिप्स इंटर्नशिप्स रहेंगी, जो बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और हर पोजीशंस में। इनफैक्ट फाइनेंस में भी देखिए, R&D की इंटर्नशिप भी है, HR इंटर्नशिप भी है, SEOs भी है। तो TuteeHUB पूरा प्लेटफॉर्म आपको पूरे करियर के रिवॉल्व आपको रख रहा है। जब आपने इंटर्नशिप कर ली तो आपके पास, अब देखिए जॉब्स की बात करते हैं तो जॉब्स भी हैं आपके पास। आप जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, कोई बहुत लेंदी नहीं है, जस्ट यू हैव टू एंटर योर नेम and your email ID. Simple. You can view the jobs. See, अभी fresher और experience की अगर हम postings की बात करें, देखिए drives भी हैं, scheduled walking, आपके accordingly आप जिस भी job में apply करना चाहते हैं। देखिए freshers की jobs हैं, iOS and PHP की है, Unity 3D game developer, PHP developer, क्लाइंट रिलेशनशिप, बहुत पोस्टिंग्स हैं। आप अपने जॉब्स को भी देख सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, एंड देन सी नंबर ऑफ ओपनिंग्स, एन नंबर ऑफ ओपनिंग्स ऑन टू द सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बहुत सारा ओपनिंग्स है। आपका TuteeHUB पूरा जो कनेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं सिर्फ यही फोकस करता है कि आपको एग्जाम से लेके पूरा जॉब करियर सक्सेसफुल तक हम आपके रिवॉल्व रहें और आपकी हेल्प कर सके। तो प्लीज़ आप हमको कनेक्ट कीजिए TuteeHUB.com पे, और मैं यही कहूंगी कि इसके साथ आप अगर कनेक्ट रहेंगे तो आपको अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब्स, इंटर्नशिप, स्किल्स, पोस्ट रिज्यूमे, बहुत सारा कुछ लर्न करने को मिल सकता है। आपकी ट्रेनिंग्स भी हैं यहाँ पे, आपके बहुत सारे कोर्सेज भी रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कोई एग्जाम्स देने हैं या आपको कोई एडमिशन्स भी लेने हैं इनफैक्ट, तो वो कैंपसेस की लिस्टिंग भी आपके पास रहेगी। तो पूरा जो भी आप लर्न करना चाहते हैं, चाहे कोर्सेज हों, एग्जाम्स हों, ट्रेनिंग्स हों, पूरा सिस्टम हमारा उसी के बेसिस पे ही है। देखिए बहुत सारी हमारी कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर रही है, बहुत सारे कॉर्पोरेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, कैंपसेस भी हमारे साथ हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं जो हमारे जॉब्स के लिए काम करते हैं, कॉर्पोरेट्स में जो जॉब पोस्ट करते हैं और जिनको हायरिंग्स देनी होती हैं। तो अगर आप हमारे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो आपको ये सारी फैसिलिटीज एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, और जो आपके करियर को अचीव करने में बहुत सक्सेसफुल है। तो आज के वेबिनार में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि कैरियर प्लानिंग होती क्या है और हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं।
तो कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप TuteeHUB.com पे विजिट कीजिए. आपको हेल्प सपोर्ट रहेगा, वो आपको पूरा हेल्प करेगा. एंड उसके वेबिनार्स को फॉलो कीजिए. कमिंग वेबिनार्स, बहुत सारे वेबिनार्स हर तरीके से स्कॉलर को हेल्प करने के लिए हैं एक्चुअली. सो जस्ट कनेक्ट विद अस ऑन TuteeHUB.com एंड डू लेट मी नो इन केस यू रिक्वायर एनीथिंग. थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार सीरीज फॉर स्किल फॉर सक्सेस and you know giving your wonderful time. Thank you. Have a great day. Bye bye.